Hi everybody, welcome to Pushpam's vlog and yeah, also welcome to Karnataka state. So we are going to visit Bandipora Tiger Reserve. एंड यार यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे टिकट मिलना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल नहीं, मतलब आपको लाइन में लगना पड़ता है. एंड गाइज यू कैन सी द लाइन, 3 किलोमीटर तक लाइन लगी थी. इतनी बड़ी लाइन मैं तो देख के शॉक थी, भाई आज देख पाएंगे कि नहीं इस चीज़ को. सो यार लेट्स सी क्या होता है, हम इस चीज़ को विजिट कर पाते हैं कि नहीं. सो गाइज स्टे ट्यून्ड टिल एंड. एंड यार आपको ब्लॉग के लास्ट में पता चल जाएगा एक्चुअली व्हाट इज दिस बांदीपुरा टाइगर रिजर्व. एंड गाइज ये जो प्लेस है ना वो थोड़ा सा रिस्की है, मतलब लाइक थोड़ा सा डेंजरस है, तो आपको बहुत ही केयरफुली रहना होगा यहाँ पे. चलो पहले लाइन में लगो, बहुत बड़ी लाइन लगी है. मस्त जोक मारा ये हंस रहे अलकट हंस. We have to go there, no? That place. एंड गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिल रही थी, लाइक कपड़े, मसाले, चॉकलेट्स और होम डेकोरेशन का चीज़ें. तो यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं उस चीज़ को नहीं दिखा पाई, तो आप बाहर से देख सकते हो पेंटिंग वेंटिंग बहुत कुछ मिल रही थी. एंड मैंने भी वहाँ से कुछ कुछ ले लिया था. बोथ आर स्टैंडिंग द एंड आई एम इन द लाइन टू टेक द टिकट. एंड टिकट की प्राइस 60 रुपीज़ पर पर्सन था. ना कीप दिस, मैंने अच्छा काम किया ना आगे घुस के. मैंने अभी बिहारी वाला काम किया, उतनी पीछे ही लोग लाइन लगे थे, मैं आगे घुस के लाइन मार. वी हैव टू सिट इन बस, बस इज फुल सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर बस. दौड़ी भागी बहुत जरूरी है ना. सो गाइज हम बस में बैठ चुके थे एंड आप यहाँ का रोड देख सकते हो कितनी पतली रोड है. सो ये वन वे रोड है, इसलिए हम यहाँ पे मतलब अपनी प्राइवेट कार से नहीं ट्रैवल कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो लोग भी कार वगैरह से आते हैं घूमने को तो उसे इस बस से ट्रैवल करना होता है. ये पहले मतलब था कि लाइक अपने कार से लोग प्राइवेट कार से ट्रैवल कर सकते थे, बट जब यहाँ पे लाइक होता ना कि बहुत सारे लाइन वगैरह मिलने लगे थे तो तब से ये चीज़ें रूल होने लगी थी कि आप यहाँ पे अपनी कार से नहीं ट्रैवल कर सकते हो, आपको ये बस ही लेनी पड़ेगी. एंड ये जो बस है वो आपको ऊपर तक पहुँचाएगा, मतलब माउंटेन के एकदम पीक पे. एंड यहाँ का जो रोड है ना बहुत डेंजर है, मतलब बहुत ऊपर, आप सोच सकते हो कि हम माउंटेन पे चल रहे हैं और माउंटेन पे ही रोड बनी है, भाई बहुत डेंजर था. ऊपर तो चलने वक्त हम लोग चल रहे थे, जब वापस हम नीचे आने वाले थे ना तो बहुत मुझे डर लग रहा था. तो आप भी ब्लॉग के एंड तक बने रहो एंड देखो हम ऊपर जाके कौन से गॉड से मिलते हैं. सो या आप देख सकते हो मैंने विंडो सीट ले लिया था दौड़ के, क्योंकि गाइस विंडो सीट की बात ही कुछ अलग होती है ना. तो यही था एंड या आप रोड देख लो. एंड जब भी हम ऊपर जा रहे थे ना गाइस तो बहुत फॉग दिख रहा था हमें, आप देख सकते हो यहाँ भी फॉग स्टार्ट मतलब वो ना दिखने लगा था. एंड फिर सारे लोग अपना फ़ोन निकाल के ना वीडियो वगैरह शूट करने लगे थे. तो ये तो बहुत कम फॉग है अभी, अब जब मैं बहुत मतलब जब एकदम पहुँच गई थी ना वहाँ तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब मंदिर भी मुझे नहीं दिख रहा था. फिर हम जब मंदिर में पहुँचे तब जाके दिखा भाई कि मंदिर है ये. एंड गाइस अब देख सकते हो कितना डेंस फॉरेस्ट है ये, मतलब अगर कोई नीचे गिर वगैरह गया ना तो फिर तो भाई बचना मुश्किल है. तो इसलिए यहाँ पे कार्स वगैरह नहीं अलाउड हैं. सो तो चलो चलते हैं मंदिर पहुँच के आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून. Years later. So guys, अब हम मंदिर पहुंच गए हैं एंड आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे फॉग है एंड काफ़ी लोग भी हैं दूर दूर तक.
जो छोटे छोटे दिख रहे हैं एकदम, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग वेट भी करते रहते हैं ना बस का, ताकि वो नीचे जा सके। एंड या यही मंदिर है, एंड ये जो मंदिर है वो राधे कृष्ण जी का मंदिर है। तो आप देख सकते हो कितना फॉग है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी लग रही थी। गाइज इन लोग को देख लो भाई, मतलब चढ़ने के लिए कैसे कर रहे हैं। अभी हम लोग उतरे भी नहीं हैं क्योंकि लोग चढ़ने के लिए ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो ये लोग वेट कर रहे थे बस में चढ़ने को, एंड हम लोग ने अभी जस्ट उतरा है। गोपाल स्वामी बेटा, गोपाल स्वामी। ओके। और यहाँ पे एक मंदिर है जो पूरा पहाड़ के ऊपर है, तो उसी को विजिट करने के लिए आते हैं लोग। हम लोग यहाँ पे स्लीपर खोल दिए, घर देते ताकि कोई लेगा नहीं, है ना। प्रसादम बस। आपको इसमें लाइन लगने होते हैं, शादी मिल रहा है। यहाँ के प्रसाद में ना चावल था एंड कुछ एक दाल टाइप का भी था। फोटोज और वीडियोस शूट करना अलाउड नहीं था, सो हमने नहीं दिखाए। मेनली ये जो मंदिर है वो श्री कृष्ण गोपाल जी के मंदिर है। फिर ये कहीं चले गए यहाँ पे इतनी तेज बारिश, बहुत अच्छा प्लेस है। उल्टा 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 रे अस्ते बंद माड़ी, बंद माड़ी आगला गाली। चलिए चलिए बस आ गया, बस आ गया। देखो ना प्लीज, एक बार देखो ना, इनको हाइट से बहुत डर लगता है। वी आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन।
लोग उतर गए बस से एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैसूर। थैंक यू। लेकिन वो अच्छा था ना प्लेस, मतलब पहाड़ पे यू नो कहाँ पर लगा था उसके ऊपर। ओ भाई।